अरे ऐसे दे दिए उनको, एक्सचेंज कर लेंगे जिनको जो जैसा रहेगा वो छोटा बड़ा। पानी का बॉटल है नहीं खुले 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 वो सही जगह था और आगे ले लो आप बच्चे हो जाएंगे तो बड़े लोगों के बड़े लोगों के चले जाओ पूरा आगे खड़ा चले जाता हूँ भाई आप गलत जगह मेरे बीच में आगे एकदम अंकल बैठे हो ना अंकल पानी का बोतल है पानी का साथी और भी सब बॉटल बॉटल भाई आप बॉटल मेरा खोल दीजिए ना नीचे की सिंगल सिंगल कर उनको बोल दीजिए उनको बोल दो चलिए चलिए आइए आइए खुश ला मैं दे दूँ प्लीज पूरा ही दे आर्मी जो अप्पा पड़ा है यहाँ पर जो एक बहुत ही बड़ी भयानक सी आग लगी थी उसके बाद यहाँ पर आप उनके दौरे पर आए हो और आपने काफ़ी मतलब अपनी तरफ से सपोर्ट किया मदद किया क्या कहना चाहोगे इस अवसर के बारे में और आपने जो यहाँ पर यहाँ का जो मुआयजा लिया आपने तो किस तरह की हालत है यहाँ पर देखिए जो अप्पा पारा जगह है मुंबई के बीचों बीच में है मलार जो कि मुंबई के बीच में है यहाँ पर सोचिए 13 तारीख के रात में 3000 से ज़्यादा घर जल चुके हैं जिसमें 10000 से ज़्यादा लोग अफेक्टेड हैं इसमें करीब एक या दो लोगों की मौत हुई है ऐसा ऑफिशियल डेटा एक बताता है और 50 से ज़्यादा सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं आप देखेंगे कि यहाँ के लोग
आप मीडिया जो यहाँ पे आए हैं, जो चौथा स्तंभ होता है, आज नेशनल मीडिया ने दिखा दिया यहाँ पे आग लग गया है, बट आप यहाँ पे आएंगे तो हो सकता है 3 दिन से, 13 तारीख से आज 16 तारीख है, कुछ लोग नहाए तक नहीं है, कुछ लोग के घर में खाना नहीं बन रहा है, यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे लोगों को मदद 10,000 लोगों को चाहिए और 100 लोगों की मदद आ रही है, ये सरासर गलत है। 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाने वाले थे, बिहार स्थापना दिवस, और बिहार हमेशा से देश की सेवा में रहा है। ये अप्पावारा नाम सुनने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा तमिल के या साउथ इंडिया लोग रहते हैं, लेकिन आने के बाद पता चला यहाँ पे हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं, हर स्टेट के लोग रहते हैं, और भारत आप समझिए कि विविधता में एकता का है, सारे स्टेट के लोग बराबर है। आप देखेंगे पीछे कुछ विवाद चल रहा था बिहार और तमिलनाडु के बीच में बताया जा रहा था, बट आप देखिए कि हम लोगों ने अपना जो समारोह था उसको कैंसिल करके जो चीज़ हम उसमें खर्च करने वाले थे, हम लोगों ने यहाँ पे शेड लगाने के लिए तारपत्री लाए हैं, टी शर्ट वितरण किया, बिस्किट दिया, केला दिया, फ्रूट्स लाए, और अभी पानी का टैंकर जब इनके पास रखने का व्यवस्था हो जाएगा तो 1 महीने तक हम लोग लगातार पानी का टैंकर भेजेंगे। लेकिन ये हम लोग अपने पर्सनल कैपेसिटी पे कर रहे हैं, ये सरकार का दायित्व है। अगर आज इनके पास वोटर कार्ड होता और अगले महीने इलेक्शन होता तो यहाँ पे हर पार्टी के नेता ढोल बाजे के साथ इनका छत भी लगा देते, बट आज इलेक्शन नहीं है तो आज इन लोगों की मजबूरी है कि इनको दिन भर में इनके बच्चों को एक बत का खाना नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ, आप सारे लोगों से अपील करता हूँ, आप जिस भी नेता का, सेलिब्रिटी का या आम लोगों का इंटरव्यू लें, उनसे अपील करें कि अप्पा पारा जो है यहाँ पे हर राज्य के लोग रहते हैं, हर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, यहाँ तमिलियन भी रहते हैं, यहाँ पे कन्नड़ भी रहते हैं, बिहारी भी रहते हैं, यूपी के लोग भी रहते हैं, वो सारे लोग आए, ये मदद करें। और ये बॉम्बे से कोई 200 किलोमीटर दूर नहीं है, बॉम्बे के बीच में मलार में ये आपकी फिल्म सिटी यहाँ से 2-4 किलोमीटर दूर होगी, बट आप यहाँ की स्थिति देखेंगे तो इसको पूरा बनने में कम से कम 2-4 साल लग जाएंगे, जिस स्थिति में इस घर को इन्होंने बनाया था। मैं सारे लोगों से अपील करना चाहूँगा, सारे मीडिया वालों से अपील करना चाहूँगा कि वो किसी कंपनी का ग्रोथ और अदानी और हिंडरबर्ग से निकले, वो यहाँ पे आए, यहाँ की स्थिति दिखाए, यहाँ के लोगों के बारे में दिखाए। कुछ बच्चों के स्कूल के एडमिशन कार्ड जल गए जिस कारण से वो परीक्षा मिस कर गए हैं, सब कपड़ा जल गया है, सारा बर्तन जल गया है, जो यहाँ पे खाना पहुँचता है उसी से इनकी यहाँ पे बिजली की व्यवस्था नहीं है, और सरकार को इसको इलेक्शन का मुद्दा देखते हुए छोड़ के जो यहाँ के लोकल जीते हुए पॉलिटिशियन हैं, नगर सेवक हैं, आमदार खासदार हैं, उनसे मैं अपील करूँगा, ये भी हमारे ही देश के लोग हैं, हमारे राज्य के लोग हैं, और अगर आप इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो आपका नेता होना, सेलिब्रिटी होना कोई मायने नहीं रखता है। अगर आप सच में नेता हैं, मानते हैं अपने आप को, और सच में सेलिब्रिटी मानते हैं अपने आप को, तो आप आएँ यहाँ मदद करें। मैं खुद एक दिव्यांग हूँ, मैं पोलियो से ग्रसित हूँ, और मैं अपने कैपेबिलिटी के अनुसार, अपने सक्षमता के अनुसार जो भी मदद कर सकता था मैंने किया है। मैं सारे लोगों से अपील करूँगा कि वो यहाँ पे जरूर एक बार इंसानियत के नाते विजिट करें, अपने घर पे भले एक दिन खाना नहीं बनाए, बट यहाँ के लोगों को मदद करें, क्योंकि जो इनका घर 20-30 साल से बना हुआ था वो एक झटके में जल चुका है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ पे मदद की। और ये फिर मैं बता रहा हूँ, ये जगह जो है बहुत दूर नहीं है, बॉम्बे के बीचों बीच है, तो आप सारे लोग आएँ और यहाँ पर लोगों की मदद करें। देखिए, मेरी फाउंडेशन जो है वो ऐसे तो कैंसर पीड़ित से लेके दिव्यांग से लेके आप शहीद की फैमिली सबकी मदद करती है। जब मुझे पता चला तो हमारा जो 22 मार्च का प्रोग्राम था उसको हम लोगों ने कैंसिल किया, बिहार दिवस। बिहार हमेशा देश की सेवा में रहता है, हर स्टेट देश की सेवा में रहता है। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम 22 मार्च को होने वाला था, उसको स्थगित करके उसके प्रिपरेशन के लिए जितना सामान हमारे पास था वो सारा मैं यहाँ ले के आ गया। उस प्रोग्राम को हमने इस सिचुएशन को देख के हमने कैंसिल कर दिया है कि मैं क्यों लोगों को बड़कपन दिखाऊं जब हमारे ही लोग यहाँ पे इस स्थिति में हैं। और मैं जो भी इवेंट में खर्चा होने वाला था उस इवेंट का, जितने खर्च का सामग्री है, आगे के पूरे महीने में यहाँ के जो लोकल लोग हैं जो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं उन लोगों को भेजूंगा। और मैं और लोगों को आग्रह करूंगा जो हमारे बिजनेस कम्युनिटी से हैं, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS IPS हैं, वो एटलीस्ट यहाँ पे बिजली का व्यवस्था जल्दी से करवाएं, पानी का व्यवस्था कराएं। आप समझिए, 3 दिन से हम लोग 30 साल से यहाँ पे रहते हैं, और हमें आज तक जिस तरह से बताया कि मुंबई से ज़्यादा दूर नहीं हम, लेकिन हमें पानी, शौचालय और लाइट के 30 साल से 70 रसना पड़ा। आज भी हम कैसे गुजारा करते हैं बिना लाइट के, बिना पानी के। आज हम पानी जो है
हमारे पानी के लिए 400 रुपया, लाइट का 2000 भाड़ा हम देते हैं, कहाँ से दिए हम? तुम जहाँ पक्के घर में तुम्हारा भाड़ा कितना आएगा? 500-600 रुपया। हम लाइट का 2000 रुपया दे रहे और पानी का 400 महीने का हम देते हैं यहाँ पे, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम लोग वन विभाग में रहते हैं और विभाग को हमने 2008 में पैसा भर दिया 7000 रुपया। और गए टाइम हमें कहा था कोर्ट का ऑर्डर है कि ये 18 महीने में सबका पुनर्वास होना जरूरी है। आज 2008 से लेकर आज 15 साल हो गया, हम अभी तक यहाँ पे ही है। हम थोड़ा ईट भी लगाएंगे तो वन विभाग के अधिकारी पहुँच जाते हमारे यहाँ पे, ये क्या कर रहा है तू? आज पूरा पूरा नगर जल गया, 2000 घर जल गए और न्यूज़ चैनल वालों को बताया जाता है कि 50-40 घर जले। कैसे जले? अभी न्यूज़ वाले आप आए हो, कैमरामैन लेके हो, देख रहे हो कितना घर जला है यहाँ पे। तो अब मेरी आपके यही रिक्वेस्ट है कि जो सच्चाई हो बयान कीजिए, 2000 घर है, 2000 घर ही दिखाई वहाँ पे, ताकि हम कल भी सीएम के घर के बाहर गए थे, हमें सीएम साहब ने उनके पीए बाहर आके बोले कि साहब टाइम नहीं दे रहे। अभी टाइम अभी देखते कब देते हो। आज उन्होंने कहा था कि हम हमको फ़ोन करके बताएंगे कि सीएम साहब कब आने वाले, कि रोज़ हमको ये कहना आ रहा कि सीएम साहब आ रहे, नहीं कब आएंगे वो? अभी हमारा घर उजड़ गया, हम करें क्या? अभी हमारे जो कागज़ पेपर वगैरह सब जल गए। अभी फॉरेस्ट के अभी जो हम लोग 7000 का पावती भरा है, अभी उनका कहना था कि जो पावती भरा उनको घर दिया जाएगा, हम कहाँ से अभी लाएंगे सब? अभी हमारे यही मांग है कि सीएम साहब जितना जल्दी हो सके यहाँ पे आइए और यहाँ का माहौल देखिए यहाँ पे क्या है और कैसे हम लोग दिन गुजारते हैं, रात गुजारते हैं यहाँ पे। एक दो दिन में अगर कोई भी सीएम साहब के जो खास लोग हैं, कोई भी अगर दो दिन यहाँ पे रह के बताए पूरा दिन रात, हम मान जाएंगे उनको कि बात ठीक है। अभी हम इधर तकलीफ में जी रहे, कहाँ है कौन? हमारे नगर से के आमदार है, आमदार जी ने सब विधायक में अपना विधान भवन में मुद्दा उठाया, लेकिन उसका आउटपुट क्या? अभी तक उन्होंने से बता दिया कि हाँ नहीं हम करेंगे वगैरह, कब करेंगे? अभी तक कोई यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स का कोई हेल्प नहीं, कुछ नहीं है। जहाँ पे जो स्थानीय संस्था अभी सर जी आए हुए हैं, ये लोग यहाँ पे आके पानी की व्यवस्था या जो भी छोटी सी खाने पीने की चीज़ें हमारा सेवर करेंगे, अब कब तक करेंगे हम? तुम्हें कब तक हमारे पास आओगे? आज तो आओगे 4-5 दिन और आओगे, बाद में क्या? बाद में हमको कहाँ है खाने पीने की चीज़ें, हर शीशा मोहताज है। तो हमारी भी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है सीएम साहब से भी कि जितना जल्दी हो सके हमारे जो घर के बारे में जो डिसीजन जो पेंडिंग है उसके ऊपर कृपया करके जल्दी कुछ एक्शन लीजिए, कुछ डिसीजन दिलाए। ये आपसे मैं और न्यूज़ वालों से ही गुजारिश करूँगा कि जितना हो सके आपके सहारे से हमारा जो नगर का जो है, जो आपने जो माहौल देखा हुआ है, उसके लिए आप सहयोग करें, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा उसे शेयर करके लोगों तक पहुँचाए। तरीके 13 से हमें घर जले, हम लेडीज होके हम लोग नहाए नहीं 3 दिन से, हम क्या करें? हमारे बच्चे क्या करें? जेंट्स का तो चल सकता है ना, लेडीज के लिए कोई प्रॉब्लम कोई है ही नहीं। अब टॉयलेट के लिए हमें पानी नहीं लगता है, हम लोग करें क्या? टॉयलेट के लिए पानी नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं, कुछ भी नहीं है। खाना पीना तो वो तो अब दे रहे हैं ना, उससे तो कुछ गुजारा नहीं हो सकता। ज़्यादा से कितना हफ्ता भर दोगे? सर अभी आएंगे, अगले हफ्ता देंगे, और कोई आएगा? और सर की इतनी भी कैपेसिटी नहीं है 3000 लोगों को कुछ इतना प्रबंध करे? वो आज देंगे, कल दूसरा देगा, उसके बाद तो कोई नहीं देगा। तो हमारे यही गुजारिश है सरकार से, जितना जल्दी हो उतना जल्दी मदद कीजिए। ये तो पुनर्वसन कर दीजिए पक्का रूम में, या फिर यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दीजिए, सबका कर दीजिए। सबका तो नुकसान हुआ है, ऐसा तो नहीं सिर्फ एक ही जन का हुआ है, सबका हुआ है। अभी बच्चे तो हमारे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, कोई कोई बच्चे 10वीं में हैं, उनका तो हमारे जो छोटे हैं ठीक है चलो, पर 10वीं वाले 12वीं वाले का क्या? बच्चों का उनका तो भविष्य नहीं है ना कुछ। अभी लॉकडाउन हुआ वो तो छोड़ दो, हो गया तो आप भी क्या? देश का, विश्व का जो सबसे अमीर आदमी है टॉप 30 में, उसमें से 2 लोग भारत से आते हैं, बट ये कैसा भारत है जहाँ पे इतनी बड़ी घटना हो जाती है? दुनिया भर के फाउंडेशन बोलते हैं करोड़ों रुपए CSR में खर्च होते हैं, और यहाँ पे आने के बाद पता चलता है कि ये बॉम्बे दिखता ही नहीं है। ये आपको दिखेगा कि 50 साल पहले कोई ऐसा गांव होता था, वैसा ये खंडर बना हुआ है। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ, यहाँ पे छोटे बच्चे, माताएँ, बहनें, बहुत सारे बुजुर्ग हैं, उनके मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। और अगर हमारे जैसे लोग अपने कैपेसिटी में इतना करके कुछ लोगों को कुछ राहत दे सकते हैं तो सारे लोगों को आगे आना चाहिए। धन्यवाद।